सो जब संविधान की संरचना हुई, भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया गया और सभी को लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया। साथ ही उन लोगों को यह अधिकार दिया गया कि जो लोग इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, जो लोग इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि उनका जो जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो कितना हो, मिनिमम एज और भारत का नागरिक हो, इतना होना बताया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो, उनमें क्या स्किल्स हो, ऐसा कुछ उसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया, क्योंकि वो उस चीज़ को बराबर रखना चाहते थे सबके लिए। लेकिन अगर आप देखिए, आप छोटी से छोटी जॉब भी लेने जाते हैं तो उसकी भी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होती है, और अब आप बड़ी से बड़ी जॉब के लिए क्वालिफिकेशन ना हो तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो ये तो मेक सेंस थिंग है। उन्होंने आपको आज़ादी दी, उन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज़ादी दी और उन्होंने उस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया। भरपूर फायदा कहने का मतलब है कि उसका नाजायज़ फायदा उठाया। आज की तारीख में कौन विधायक या कौन पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ेगा उसका तय उसकी काबिलियत नहीं करती है, उस वो तय करती है उसका रुतबा सोसाइटी में कितना है, उसके पीछे कितने लोग हैं और उसके पास कितना कैश है, कितने पैसे वो इलेक्शन फंड्स में, इलेक्शन के लिए या पार्टी फंड में दे सकता है, ये है उसकी क्वालिफिकेशन। और जोड़ तोड़ की राजनीति से हम सभी भली भांति परिचित हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अभी की बात नहीं है कि भी अभी जो सरकार कर रही है वो कुछ अनोखा कर रही है, ये तो 70 साल से होता आया है, 1975 से पहले थोड़ा कम था, एक्चुअली मेरे को कहना चाहिए 1967 से पहले थोड़ा कम था, 67 के बाद फुल पॉलिटिक्स विद फुल थ्रॉटल ऑन वो अभी हम देख रहे हैं चल रहा है। इसके लिए कोई संविधान आपको पूरी गाइडलाइंस नहीं देता, संविधान आपके लिए एक रूपरेखा तैयार करता है, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको लीगली और एथिकली किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब एथिक्स को तो आप भूल जाइए जहां पे पॉलिटिक्स आती है, इंडिया की पॉलिटिक्स, आप लीगली रहें वही इनफ है। अब देखें आप कि किस तरह से फरीदो खरोख्त होती है इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, जब आपको किसी को पावर से उतारना होता है तो किस तरह से विधायक खरीदे जाते हैं, किस तरह से बोली लगती है, एक तरह से होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आप अगर किसी पार्टी के थ्रू लड़ रहे हैं, अगर आपने अपनी सीट छोड़ी या आपको पार्टी ने निष्कासित किया तो आपकी वो पोस्ट री इलेक्शन के लिए ओपन, आप उन वोट से किसी और को सपोर्ट नहीं कर सकते, प्लेन एंड सिंपल। अगर आप निर्दलीय हो तो भी आप पार्टी ए या पार्टी बी के साथ अपनी सपोर्ट के साथ नहीं जा सकते। आप उनके कॉज को यस और नो जरूर कर सकते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन सपोर्ट लेके पहुंच जाओ, उसके बाद 500 मिलियन ले लो, पैसे ले लो, कुछ पोजीशन ले लो, व्हाट द हेक, दिस इज नॉट व्हाट योर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग एंड दिस इज नॉट व्हाट दे आर परमिटिंग यू। लेकिन इसकी शुरुआत करने का सोचेगा भी कौन, सभी को उससे फायदा है लेकिन आप देखिए इससे देश को नुकसान है। कानून का राज तभी होगा जब कानून को बनाने वाले लोग उसे मानेंगे। हमने तो खुद ही उनको कानून के परे रखा हुआ है।
एक गुलामी का स्तर होता है, एक अंग्रेजों के टाइम पे गुलामी का स्तर था कुछ, आज का स्तर उससे भी कहीं ज्यादा गिरा हुआ है। हमारे पास इस वक्त एजुकेशन भी पहले से बेटर है, इंफॉर्मेशन भी पहले से बेटर है, लेकिन फिर भी हम उसी भीड़ चाल में फंसे हुए हैं। कौन करेगा इसकी शुरुआत? भारत को आगे बढ़ने के लिए कानून के राज्य के स्थापित होने की बहुत आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई इक्वली ऑन एवरी सिंगल पर्सन, नो मैटर हु यू आर। देश में इस चीज की बहुत कमी है। आप अपने आप को जैसे मर्जी पांचवा नंबर छठा नंबर बोलते रहिए, लेकिन आप अभी बहुत से देशों से पीछे हैं जहां पर कानून का राज नहीं है। करना पड़ेगा और करना चाहिए। सुनने के लिए शुक्रिया।